हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज कमांडो आया है शॉपिंग करने। आज देम क्या चाहिए? हेलो फ्रेंड्स, अभी विवान के लिए हम शूज देखने आ गए। अभी हम आप लोगों को दिखाते हैं उसके लिए कौन सा शूज लेके जाएगा। चलिए फ्रेंड फिर देखते हैं। विवान भैया शूज दिखा दो, ऐसे टाइप का जैसे पहना है ना। आजा बैठ। तो एक्सपेरिमेंट करना है कि क्या क्या शूज है और यहाँ पे क्या क्या मिलता है। आप देख सकते हैं उसका हरकत। लेकिन वो बहुत एक्साइटमेंट है कि शूज ले रहा है, क्योंकि मिवान को शूज बहुत पसंद है। वो चाहे कपड़ा नहीं चाहिए तो चलेगा, वो सुबह उठेगा जैसे ही उसको शूज पहनना बहुत पसंद है। किधर बैठेगा सिलेक्ट कर नहीं पा रहा है। विवान चल के दिखाओ, इसमें लाइटिंग नहीं है क्या? अच्छा है ना। अच्छा एक में लाइट है और एक में नहीं है। मेवान को शूज बहुत पसंद है, तो हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि यहाँ पे आने को। यहाँ पे क्या है कि बच्चों का बहुत सारे वैरायटी मिल जाता है, तो मैं भी लेती हूँ यहाँ पे, हम यहाँ से आके। लेकिन ज़्यादा मेवान का ही लेती हूँ यहाँ पे, क्योंकि शूज़ कलेक्शन यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि शूज़ का बहुत सारे कलेक्शन है। ज़्यादा बड़ा शॉप नहीं है, लेकिन है ठीक ठाक सा है। यहाँ का तो सागर का तो बड़ा ही है। ऐसे आप लोकल मार्केट में देखेंगे ना, बहुत मतलब कम वैरायटी का मिलता है शूज़। हाँ सैंडल तो मिल जाता है, लेकिन शूज़ में यहाँ पे वैरायटी कलेक्शन बहुत अच्छा रहता है। और बच्चों का ज़्यादा शूज़ में क्या होता है कि जैसे कि लाइट जलता है ना, तो बच्चों को बहुत पसंद आता है। तो यहाँ पे जितना भी शूज़ मिलता है वैरायटी में, तो सब में लाइट ही लगता है जलता है। तो मिवान को लाइटिंग बहुत पसंद है, शूज़ वाला लाइटिंग जो होता है, तो वही हम देखने के लिए आए थे। मिवान को पसंद आया है आई थिंक ये वाला, ये पहन के घूम रहा है आप देख सकते हो। आप दीदी के लिए सिलेक्शन कर रहे हो? अच्छा सिलेक्ट कर दो दीदी के लिए, कर दो। उसको एक फ्रेंड मिल गया मिवान को, तो उसके लिए देख रहा है कि शूज़ क्या चाहिए। दोस्ती हो गया उसका, तो सबके साथ दोस्ती हो जाता है। ये एक है, ये 500 का है, और मिवान जो पहना है वो कितना है भाई? 700 का है। लेकिन हमको ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ये वाला लेंगे हम मिवान के लिए। तो विलिंग करते हैं, ठीक है? चलो आ जाओ, पहन के जाओगे क्या ये वाला मिवान? आप पहन के जाओगे क्या वो वाला? हाँ उसको पसंद आ गया, वो मतलब खोलेगा ही नहीं, लेकिन हम उसको विलिंग करके ले ही जाएंगे। चलो बस हो गया आपका ना, आपका शूज तो मिल गया ना, बहुत सुंदर वाला। देखो सैंडल बहुत है आपके पास, सैंडल कम से कम आपके पास कितना है? चार सैंडल्स है। तो ये क्या करोगे, सैंडल्स और नहीं डाला? चलो भैया को दे दो, जाओ भैया को दे दो सैंडल्स। दे रहा है आपको, दे रहा है, दे दो भैया को, दे दो, वो दे रहा है भैया को, दे दो। हाँ नहीं लेना है हमको, हम नहीं, ये खोल के उसको हाथ में दे दीजिए पैक करके, और वो दूसरा वाला पहना दीजिए जो वो पहना था पहले। चलो खोल दो, भैया उसको पहले से ही जानते हैं और भैया उसके सब्सक्राइबर भी है। तो जब भी आता है ये शॉप में, तो भैया और इनके जो ओनर है शॉप का, वो बहुत प्यार करते हैं उसको।
मी वन पेमेंट कर रहा है यहाँ पे अंकल को। अंकल भी बड़ा सब्सक्राइबर है इसका। अंकल भी इसको सब्सक्राइब करके रखे तो पेमेंट कर रहा है मीवान यहाँ पे। तो अंकल यहाँ पे जब भी आता है अंकल इसको बहुत प्यार करते हैं मीवान को। आप नहीं डालेंगे, आपको थोड़ी ना पता है। अभी आप 18 साल के हो जाओगे तो पापा पिन बता देंगे। हाँ इतना टाइम नहीं लगेगा, ये तो 10-12 साल में ही पता लगेगा। इससे पहले 21 सेंचुरी कर ली है। हाँ चलो हम घर चलते हैं, हो गया। अच्छा दीदी को टाटा कर दो, दीदी को देने के लिए चलाइए। अच्छा दीदी को दे देना है, लेना नहीं है हमको। अच्छा ठीक है, थैंक यू, चलो बाय बाय। हाय कर दो। मीवान कितना खुश हो, आज किया क्या शॉपिंग किया। आपको अगर आज का ब्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक और शेयर कर दीजिए, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय, थैंक यू।